हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आज की नई व्लॉग में। और आज से शुरू है हमारे गांव में पूजा। और अभी यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है। पंडित जी वगैरह आ गए हैं, यहाँ पर सिद्धि भैया हैं, ये भी माता का पाल है। हाँ, चौकी चौकी बना रहे हैं यहाँ पर। और अभी बाहर भी पूरा अच्छे से डेकोरेट हो चुका है। घंटियों में यहाँ पर चुन्नियाँ बांध दी है, टेंट वगैरह लग गया है। और इधर भी जो ये ग्लिटर वाली रस्सियाँ होती हैं, ये भी लग गई हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया है। और अभी पूजा शुरू होगी, फिर लोग भी आएंगे। अभी ना यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है और लगभग पूरी हो गई है, अभी पूरी होने वाली है। तो अभी ज़्यादातर लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मिट्टी में से पत्थर छान रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी हरियाली के लिए यूज़ की जाएगी। तो मिट्टी को साफ़ कर रहे हैं पहले, और फिर यहाँ हरियाली डलेगी और फिर आगे की पूजा चलेगी। ये देखो पत्थर, इतने सारे पत्थर हैं, इतने मोटे मोटे पत्थर निकल रहे हैं। इसमें अभी साफ करके यहाँ बाल्टी में डाल रहे हैं, सिद्धि भैया ले जा रहे हैं इसे। तो अभी आप अंदर देख सकते हो, यहाँ पर हरियाली लग चुकी है और चौकी वगैरह भी लग गई है। ये तो सिद्धि भैया ही कर रहे थे डेकोरेट, तो मैंने आपको दिखाया भी था। माता जी का श्रृंगार भी पहले ही कर दिया था, पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। लगभग सारे लोग आ चुके हैं और अब पूजा शुरू होने वाली है। गाइस, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पापा और मैं और बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। और पीछे कीर्तन शुरू हो गया है, तो अभी दिखाते हैं आपको। गाइस, अभी दादाजी वगैरह सब अंदर बैठ चुके हैं और अभी अंदर यहाँ पे पूजा चालू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर, वहाँ पर अंदर सब बैठ गए हैं और पूजा भी शुरू हो चुकी है अभी। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर खाने वगैरह की व्यवस्था हुई है। यहाँ बना रहे हैं खाना राकेश भाई जी, उनके साथ एक और यहाँ पर बनेगा खाना। और अभी तो उपले हुए आलू खा रहे थे, उनका बढ़ता है। और अब आरती वारती के लिए आएंगे शाम को। तो गाइज, अभी शाम हो चुकी है और हम आरती के लिए ऊपर जा रहे हैं। और अभी वहाँ पर सब मिलके आरती के बाद खाना भी खाएंगे। 7:14 हो गए हैं अभी, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं वहाँ मंदिर में। और अभी भजन वजन चल रहे हैं थोड़े बहुत, तो अभी मम्मी वगैरह के साथ मैं भी जा रहा हूँ। तो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर करने जा रहा हूँ।
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. तो फ्रेंड्स शाम का समय हो गया है, अब बस आरती का टाइम है और अभी यहाँ पे खाना लगभग बन चुका है। हलवाई यहाँ पे आ रखे थे तो उन्होंने खाना बना चुके हैं, उन्होंने दाल सब्जी वगैरह बना दी है, चावल बनाया है उन्होंने और कुछ पूड़ियाँ बनी है। और कुछ लेडीज़ों ने बोला है कि कई लोग होते हैं कि रोटी खाते हैं पूड़ियाँ नहीं खाते, तो उनके लिए रोटियाँ बन रही है। देखिए गाँव में सारे लोग इकट्ठे होके इस तरीके से सब लोग रोटियाँ बनाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। एक बड़ा सा तवा रखा हुआ है बीच में और सारी लेडीजें कोई आटे में से लोइयां बना रहा है, कोई बेल रहा है, कोई रोटियों को सेक रहा है। तो बहुत ही मतलब ये अनुभव जो होता है बहुत ही सुखद होता है। इस समय सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक अपनापन सभी लोगों में इससे शामिल होता है और ये बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना कि बहुत ही सुंदर मतलब ये अनुभूति है। ये बहुत मजा आ रहा है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस अब थोड़ी सा रह गई है रोटी बनाने के लिए, थोड़ा सा आटा रह गया। ये खत्म होते ही अब फिर पूजा शुरू होगी और फिर जब जैसे ही पूजा खत्म होगी उसके बाद सब एक पंक्ति में बैठते हैं और सब लोग फिर खाना खाते हैं और उस मतलब माता के प्रसाद का आनंद लेंगे। तो वो भी अभी बस रोटियां बनने के बाद हम आपको बस आरती के में ले चलेंगे और फिर सीधा उसके बाद खाना होगा। तो चलिए पहले रोटियां बना लेते हैं। हम भी यूं नहीं सहयोग करना, हमारी बने हमारे भी हम सहयोग यूं नहीं करना, हम बनो नहीं। अरे लीडर जो होता है जो पूरा समझाता है वही तो मेन होता है। सब रखा है मेरे बेटे, तुमने देखना है, हम खाद देखना है बस। हाँ बनवा रहे हैं, हमें ये बनाओ वो बनाओ, जिसकी निगरानी में हो रहा है वही महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। चावल कौन खा रहा, चावल नहीं खा रहे कोई बिना, पूरी भी नहीं खा रहे कोई, रोटी बनाओ। ये पत्रकार है, मैं सीबीआई हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं देख रही हूँ। हम मेरे पे सौबरा का की बैठे ने देखना है, ये बड़बड़ कर रही, मैं चुपचाप हूँ, मैं देख रही हूँ कौन क्या कर। मेरे भी बड़बड़ का नहीं, मेरे घर का यहाँ पे बड़बड़ करना है इनके साथ में। तो अभी गाइस यहाँ पर हम इधर की साइड आ चुके हैं और सब अब यहाँ पे बैठे हुए हैं और आरती थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सारी लाइटें जला दी हैं, मंदिर की सब जल गई हैं और पूरी रौनक हो रखी है, सारे लोग आ रखे हैं और अंदर मंदिर में भी बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देख सकते हो आप, बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है, इतनी अच्छी मूर्ति लग रही है कि मानो बहुत अच्छा आंखों से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये नज़ारा। बंदो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वां मम देव देव धर्माणि प्रथमान्या सन्नात् महिमानः सजन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अजाध्यराजाय प्रसह्यसायणे नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमे।
लक्ष्मी सवितमहे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदया ॐ गौराय सवितमहे चरणामृत लो। मुझे पहले मैं लेती फिर तुम लियो। तो वो सामने बोरा मंदिर, वहाँ पर अभी आरती करी थी और यहाँ अभी पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ पर बेल रहे हैं, आटे की लोहियाँ बना रखी हैं, बेला जा रहा है यहाँ। और राकेश भाई जी इन पूड़ियों को तल रहे हैं। यहाँ पर इधर रोटी, इधर रोटियां बन रही हैं और यहाँ पूड़ियां बन रही है। देखो ये पहले दिखा दिया था हमने, यहाँ रोटियां बन रही हैं, इधर यहाँ पूड़ियां तल रही हैं। और यहाँ सबसे पहले पंडित जी के लिए खाना लगाया जा रहा है। माता रानी को भोग लग गया है अंदर मंदिर में और अब पंडित जी के लिए ले जाया जा रहा है सबसे पहले, और उसके बाद सब बाकी खाएंगे। देखो बिल्कुल आराम से रख रहे हैं ताकि फैले ना। अभी यहाँ पर त्रिपाल लग गया है और यहाँ पर सबको यहाँ पर पत्तल दिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर सबको भोजन परोसा जाएगा। एक और त्रिपाल आ गया है, पापा भी बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। अभी पानी के गिलास बांट रहे हैं, दोनों बांट रहे हैं। बेटा तो थोड़ा घूम के बैठ जाइए इधर। हाँ, सब अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं। We must never stop the way, yeah. First check it out, I hear my name. Grasping into it. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. अभी एक बारी के लोग उठ चुके हैं और दूसरी बारी के अब लोग बैठेंगे, और अभी पापा वगैरह भी बैठेंगे। पापा मम्मी मैं सिया ने तो पहले ही खा लिया था, और अब हम सब बैठेंगे और उसमें फिर जानेंगे पापा मम्मी अपनी मतलब पर्सनल ओपिनियन कि मतलब कैसा बनाया खाना, कैसी व्यवस्था है, तो इसके सब के बारे में पूछेंगे। तो चलो अभी देखते हैं कैसी फीलिंग आ रही है मम्मी आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया रोटी बनाने में, बहुत मजा आया। इतनी सारी बातें करी हंस इसके मेरे पेट में दर्द हो गया, बहुत मजेदार बातें थी। और अब हम लोग ना खाना खाएंगे और सब साथ में खाएंगे यहाँ नीचे बैठ के, और दोने दोने और पत्तलों में खाएंगे
और बहुत ही मतलब टेस्टी खाना बना रखा है, सब बोल रहे हैं जिन लोगों ने खा लिया कह रहे हैं बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत स्वाद है। तो बस अब भूख भी लगी क्योंकि आज हम लोगों ने व्रत रखा था, तो अब हम सब लोग खाना खा रहे हैं साथ में बैठ के। अब यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पर दूसरी बारी के हम भी हैं उसमें, चलो खाना खा लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे खाना चालू हो गया है, पापा भी खा रहे हैं। और देखो सब्जी है, ये पूड़ी है, रोटी भी है, अरे दाल है, दाल थोड़ी पतली हो गई और नमक कम बता रहे पापा। बताओ पापा भारत के हिसाब से ठीक है, लहसुन प्याज नहीं है खाने में, पर नमक कम है बस, बाकी सब अच्छा एंजॉय सही है, मतलब ठीक। सबसे बड़ी बात है पूरी में अजवाइन पड़ी हुई है जो कि डाइजेशन के लिए अच्छी है। पानी का गिलास भी आ गए, मैं तो दाल गिर गई थी यहाँ पर। चलो भोजन कर लेते हैं और भोजन का आनंद उठाते हैं, सब बैठ गए हैं और सब खा रहे हैं और उसके बाद हम घर चलते हैं। मम्मी खा रही है, मैं तेनु भागया भर के मम्मी मम्मी है, इसमें दाल में अभी नमक कम था थोड़ा ना, ठीक था ये भाभी दीदी और ये क्या था चाची गाना के नाम तो रुक गया अभी तक ये शिवानी दीदी और ये मानसी दीदी अब रुक जा अपन थोड़ा अरे हां भाई खुशी दीदी है और ये आकृति और ईशु अरे है आरती दीदी ये परात अरे अभी बांट रहे हैं दाऊदी चावल दे रहे हैं और अभी मैंने भी दे रही थी सबको, मतलब दे रही थी रोटी और नमक कम था तो इसलिए नमक मांग रहे थे सब लोग। यहाँ पर दादी और बच्चे हैं, चलते हैं यहाँ पर। ये दादी बैठी हुई है, ये ताई जी, ये भी ताई जी, ये भी ताई जी, अम्मा भी, ये भी ताई जी बैठी है, ये भी ताई जी बैठी है, अरे दादी, अरे बुआ और ये अभी पूजा हुई है और ये भजन गा रहे और ये आरती तो गए। अभी हम सबने खाना खा लिया है, पापा और मैंने, मम्मी रह रही है यहाँ पर, मम्मी नीचे बैठ के खाना खा रही है। अभी जो है मंदिर की पूजा भी खत्म हो गई है, पूजा लगभग 7:30-8 बजे के आसपास पूजा हुई थी, पूजा भी खत्म हो गई और सब ने भोजन भी कर लिया है। कुछ महिलाएं शेष थी जो भोजन कर रही हैं और इधर जो महिलाएं ये महिलाएं जो यहाँ पे दिख रही हैं ये भोजन कर चुकी हैं और ये कीर्तन कर रही हैं और इनका ये रात भर रंगारंग प्रोग्राम चलता रहेगा, तो इनको अभी करने देते हैं, इनके मंदिर रंगारंग प्रोग्राम करती रहेंगी रात भर, हम चलते हैं। चलिए बाय बाय। तो गाइस आज की पूजा यहीं पे ख़त्म हो गई है और हमने पूरा बहुत एंजॉय करा आज का दिन। तो ये था हमारा डे वन आज की पूजा का, पहला दिन था आज पूजा का। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय।